वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, जय मां भारती, जय पारसनाथ, जय महावीर, भारत माता की जय। सारे मित्रों को मेरा दिल से आशीर्वाद। विषय बड़ा गंभीर है। आप जैसे कि मैंने अभी अभी कमेंट्स किए हैं और उसमें मैंने लिखा था कि मैं मजबूरन ही क्यों न हो, यदि वंदे भारत माता की सुरक्षा करने के लिए, भारत माता के ऊपर लांछन लगाने वाले, भारत माता को परास्त करने वाले, भारत माता को भारत माता के आंचल पर दाग लगाने वाले उन विद्रोहियों के खिलाफ अगर मुझे संन्यास वेश त्यागना पड़ा, संन्यास वेश का दमन करना पड़ा, तो भी मैं दमन करने के लिए राजी हूं, तभी मैं संन्यास वेश को छोड़ने के लिए राजी हूं। अगर मेरे मां भारती के खिलाफ एक दिन मेरे मां भारती के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार से कटाक्ष करता है, वह भी विपरीत कटाक्ष, मध्य प्रदेश में बैन लगाने की बात किस आधार से की गई, हालांकि अभी अभी मैंने सुना कि वह बैन, वह जो विरोध था उस विरोध को पीछे लिया गया, वो तो लेना ही था, स्वाभाविक था। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए, एक प्रतिष्ठित पद पर बैठे हुए, उस स्टेट का सर्वप्रथम नागरिक होने के नाते जिस व्यक्ति की जिम्मेदारियां होती है, जिस व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि वह सार्वभौमिक वातावरण, सार्वभौमिक माहौल को बनाए रखे, सांप्रदायिक माहौल, सांप्रदायिकता न फैलाए, ऐसे व्यक्ति का कर्तव्य होता है जो मुख्यमंत्री पद पर बैठा हुआ है और मुख्यमंत्री बनकर के महीना भर न हुआ और वंदे मातरम पर यदि वो बैन लगाने की बात करता है, तो ऐसे व्यक्ति को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे व्यक्ति को उस पद पर, उस संवैधानिक पद पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। जिस वंदे मातरम के लिए हजारों हजारों लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी अर्पण कर दी, कुर्बान कर दी, जिन्होंने अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखा, उस वंदे मातरम के लिए छोटा सा एक शिरीष कुमार मेहता, जो नंदुरबार महाराष्ट्र में छोटा सा बालक, 9 साल का 8 साल का बच्चा, वंदे मातरम का जय घोष करते हुए ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा मारा जाता है, लेकिन वंदे मातरम का नारा और अपने हाथ से उसने झंडे को गिरने नहीं दिया। ऐसे लोगों की आत्मा जब आकाश से, स्वर्ग से देखती होगी, तो निश्चित रूप से कोसती होगी कि किन नालायकों के लिए, किन मूर्खों के लिए, किन हरामियों के लिए हमने अपने रक्त का बलिदान दिया, हमने हमारी जवानी अर्पण कर दी। कांग्रेस ने हमेशा ही अत्याचार किया है हिंदुस्तान पर, हमेशा ही हिंदुओं का विघटन करने का प्रयास किया है। इस कमलनाथ को एक बात बताना चाहूंगा, विधानसभा चुनाव में आपकी 3 राज्यों में क्या जीत होगी, हवा में उड़ने लगी आप लोग। आपका एक वीडियो वायरल हुआ था जो बंद कमरे में आपने मुसलमानों के साथ बैठ करके बातचीत की, वार्तालाप की कि विधानसभा जब तक चुनाव खत्म नहीं होता है आपको शांत बैठना है, किसी प्रकार की कोई हरकत नहीं करना है, जैसे ही विधानसभा समाप्त हो जाएगा, चुनाव समाप्त हो जाएगा, हम अपनी कार्रवाई करेंगे और आप तब चुप ना बैठना, और आपने वो कर दिखाया। देशद्रोही है आप, देश के लिए कोई प्रेम नहीं है आप। किसी ने कहा कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, चाय बेचने वाले की औकात चाय तक है, तो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के आप, मैंने सुना है कि आप स्वर्गीय राजीव गांधी जी के ड्राइवर थे। अब जब आप कहते हो कि औकात चाय वाले की चाय तक ही सीमित है, तो आप कौन थे और आज आपका वर्तमान क्या है? अतीत में झांक करके देखिए, हमें उससे कोई सरोकार नहीं कौन चाय बेचता है, कौन साइकिल की दुकान चलाता है, उससे मुझे कोई सरोकार नहीं। आप ड्राइवर बने रहो, मेरे बाप का क्या जाने वाला है। लेकिन आपने जो मां भारती के खिलाफ इस प्रकार का उद्घोषण किया, वो निश्चित रूप से आप लोग, आपके लिए शर्म की बात है। कांग्रेस को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जिन लोगों ने नोटा का समर्थन कर इस कांग्रेस को जीतने के लिए मजबूर कर दिया और बीजेपी को निष्कासित कर दिया, आज उन सभी नोटाधारियों को निश्चित रूप से मां भारती के चिरहरण का पाप लगेगा, अपनी माता के बलात्कार का पाप लगेगा। अरे विधर्मियों, अरे पापियों, हिंदुत्व के नाम पर कलंक है आप लोग। जो व्यक्ति वंदे मातरम पर बैन लगाने की बात करता है, उस राज्य में रहने वाले उन युवा कार्यकर्ताओं को चुल्लू भर पानी में समझ से परे है। हिंदुस्तान के अंदर रहने के पश्चात आप वंदे मातरम पर बैन लगाने की बात करते हो, आरएसएस की शाखाओं पर बैन लगाने की बात करते हो, कभी मदरसाओं की तरफ आपकी नजर नहीं, कभी खुले में नमाज पढ़ने वालों के ऊपर आपकी नजर नहीं, कभी आप धर्म परिवर्तन करने वालों के ऊपर कटाक्ष नहीं करते। मध्य प्रदेश में हजारों सैकड़ों लाखों गांव ऐसे छोटे छोटे है जहां पर धर्म परिवर्तन जबरदस्ती ही क्यों न हो किया जाता है, लालच देकर के धर्म परिवर्तन किया जाता है। लव जिहाद आपके नजरों में गुनाह नहीं, लैंड जिहाद आपके नजरों में गुनाह नहीं, व्यापार जिहाद आपकी नजरों में गुनाह नहीं है, और वंदे मातरम आपकी नजरों में गुनाह है। तो आप विधर्मी हो, पाकिस्तान के कठमुल्ले हो, पाकिस्तान के इशारों पर नाचकर आप मध्य प्रदेश की नाक काट रहे हो, भारतवर्ष की नाक काट रहे हो, भारतवर्ष को बदनाम और परास्त करने की योजना बना रहे हो आप। ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा,
एक सन्यासी जब अपने सन्यास वेश को त्यागने की बात करता है तो समझ लीजिए कि देश किस आधार पर, किस अनैतिक आधार पर आप लोग लेकर के जा रहे हैं। चुनाव महज 3-4 महीने की दूरी पर है आप लोग सभा के, तो आप लोग उछल कूद कर रहे हो। 3 राज्यों में ही जीत मिल गई तो इतनी हवाओं में उड़ गए कि आरएसएस की शाखाओं पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हो। करो, हमारे को उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई सरोकार नहीं, लेकिन वंदे मातरम के ऊपर आपने इस प्रकार से कटाक्ष करके आपने अपने पैर पर सबसे बड़ा बम गिरा दिया है। बचोगे नहीं आप, आपको परास्त कर दिया जाएगा। और यही भारत की जनता, यही मध्य प्रदेश की जनता, यही छत्तीसगढ़ की जनता, यही हमारे राजपूत वीर, यही राजस्थान का वीर योद्धा आपकी सरकार को परास्त कर देगा, गिरा देगा। मैं सभी उन पप्पू मूत्र पीने वाले सभी हिंदुओं को भी एक बात कहना चाहूंगा, आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, आप बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मोदी ने ये नहीं किया, राम मंदिर नहीं बनाया, इसलिए हमने मोदी को सबक सिखा दिया। अरे बेवकूफों, सबरीमाला के साथ क्या हुआ देखा ना कल, सबरीमाला में क्या हुआ पता है ना आपको? 2 हिजड़े का रूप धारण करके 2 औरतें वहां पर ईसाई घुस गई मंदिर में और मंदिर की पवित्रता को अपवित्र कर दिया। कहा गया तुम्हारा धर्म, कहा गई तुम्हारी सांघिकता, कहा गई तुम्हारी एकात्मता, कहा गया तुम्हारा राष्ट्र के प्रति प्रेम, कहा गया तुम्हारा धर्म के प्रति प्रेम, कहा गया तुम्हारा राम के प्रति प्रेम, कहा गया तुम्हारा भगवान कृष्ण नारायण के प्रति प्रेम, कहा गया तुम्हारा सद्गुरु के प्रति प्रेम, कहा गया तुम्हारा अपने और अपने परिवार के प्रति प्रेम। चुल्लू भर पानी में डूब मरने की औकात है तुम्हारी। सबरीमाला में 2 कुलटाए, 2 वेश्याए, 2 हिजड़ी औरतें हिजड़े का रूप धारण करके मंदिर में जाकर के मंदिर की पवित्रता को कलंकित कर दिया। केरल अकेला नहीं है, केरल के सभी हिंदुओं को मैं इतनी ही बात कहना चाहूंगा कि मेरे कई लोगों के साथ बात हुई इस विषय पर, हम केरल के हर हिंदू के साथ हैं। वहां की कम्युनिस्ट सरकार ज्यादा दिन उनका भी नहीं है, उन्हें भी परास्त होना है। वंदे मातरम पर बैन लगाने वाले, वंदे मातरम पर बैन लगाने की सोचने वाले कीड़े, तिल तिल मरेगा तू। हमारे क्रांतिकारियों का अपमान किया है तूने। मैं उन सभी साधर्मियों को, सभी भाइयों को एक ही बात कहना चाहूंगा, राम मंदिर नहीं बनाया, हम मोदी को परास्त कर देंगे। अरे तुम्हारा राम मंदिर भी बन गया तो सबरीमाला जैसा प्रकरण ना हो जाए। सबरीमाला जो हजारों वर्षों की सभ्यता का प्रतीक है, जहां पर आज तक किसी महिला ने एंट्री नहीं की, क्योंकि वो परंपरा है और हमारा धर्म परंपराओं का सम्मान करता है। जो सैकड़ों हजारों वर्षों की परंपरा है उसको उसी प्रकार रहने देना, यही हमारी सनातन सभ्यता। और उसका हनन करने का अधिकार ना किसी धर्म विशेष को है, ना किसी धर्म को है, ना कोर्ट को है। कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट तो कोठा बन चुका है। कल 4 तारीख है, कल निर्णय आने वाला है राम मंदिर के विषय को लेकर के। और इसीलिए मैंने पहली बार भगवान श्री राम की तस्वीर मेरे व्हाट्सएप पर भी लगाई और मेरे इस आईडी पर भी लगाई है। और मेरे जितने शिष्य हैं जो मुझे प्रेम करते हैं, उन्होंने भी भगवान श्री राम की तस्वीर लगाई है, केवल इसी आशा से कि कल उचित निर्णय आए। और कल अगर उचित निर्णय नहीं आएगा और कल अगर तारीख आगे की मिलती है तो निश्चित रूप से भारत की सरकार और राज्यों की सारी सरकार परिणामों को भुगतने के लिए राजी रहे, क्योंकि बगैर रक्त बहाए अगर क्रांति को जीवित नहीं किया जा सकेगा तो हम रक्त बहाने के लिए अब मजबूर हैं। भगवान श्रीराम हमारी आस्था का प्रतीक है, हमारे को भगवान श्रीराम का मंदिर बने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन भगवान श्रीराम का मंदिर बनना इसीलिए चाहिए क्योंकि उस मंदिर के लिए लाखों लोग शहीद हो गए, मर गए, जिन्होंने अपने परिवार का बलिदान दे दिया। कई लोग मर गए, कई लोगों की संपत्ति समाप्त हो गई उस केस को लड़ते लड़ते। इसलिए उस जगह पर मंदिर ही बनना चाहिए क्योंकि भगवान श्रीराम अयोध्या में जन्मे थे। इसी कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि भगवान श्रीराम काल्पनिक है। तुम्हारा बाप का बाप भी काल्पनिक होगा, तुमने तो उसे देखा नहीं। तुम्हारे दादा के दादा थे इसीलिए तुम है, वैसे ही भगवान श्रीराम थे इसीलिए हम है। किसी ने कहा राम सेतु नहीं है और नासा ने डिक्लेयर कर दिया राम सेतु को। अरे कितना गिरोगे, अपनी माता बहनों की अस्पत को भी लूटने वाले तुम नाजायजों की औलादो। तुम वंदे मातरम को बैन करने की बात करोगे, तुम ये मत समझो कि उच्च संवैधानिक पद के वो सर्वोच्च पद पर बैठे हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ध्यान रखना, चीटी भी मार देती है बड़े बड़े विराट हाथियों को। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार करके तुम बहुत बड़ा गलत कार्य कर रहे हो, देश के प्रति विश्वासघात कर रहे हो। यह देश, यह हिंदुस्तान हिंदुओं का है। मैं इसीलिए कहता हूं कि जैन सन्यासी होने के बावजूद मैं जैनियों का, हिंदुओं का और बौद्धों का, सिखों का समर्थक हूं, क्योंकि यह देश उन्हीं का है।
और जो मुसलमान मेरे देश से प्रेम करता है, मेरे मां भारती से प्रेम करता है, श्री राम से प्रेम करता है, मंदिरों से प्रेम करता है, वो भी इस देश का नागरिक है। और जो खा करके पाकिस्तान के गुण गाता है वो इस देश का नागरिक नहीं है। सभी मुसलमान भाइयों से मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आपको अपने देश से प्रेम है, हमारे से प्रेम है, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई, इस प्रकार की दुहाई अगर आप देना चाहते हो, तो जो कमलनाथ ने यह बयान दिया था उसकी निंदा आप लोगों के द्वारा होनी चाहिए। यह तो स्वाभाविक सत्य था कि बैन पॉसिबल ही नहीं था, पूरी देश की जनता सड़कों पर आ जाती। और मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का कल इंतजार करूंगा। कल भगवान श्री राम की आजादी का दिवस है, हम उसे हम आजादी के रूप में ही मनाएंगे। वंदे मातरम, इस देश में रहना है तो वंदे मातरम बोलना होगा, और जो वंदे मातरम के खिलाफ मोर्चा खोलेगा, जो वंदे मातरम के लिए कुत्सित शब्दों का प्रयोग करेगा, वो कभी न कभी तो दर्दनाक मृत्यु से मारा ही जाएगा। ऐसे ही खून नहीं बहाया है हमारे शहीदों ने, ऐसे ही लटक नहीं गए भगत सिंह, ऐसे ही नहीं लटक गया वो सुखदेव, ऐसे ही नहीं लाठियां खाई लाला लाजपत राय ने, ऐसे ही लाठियां नहीं खाई वो गांधी ने, ऐसे ही लाठियां नहीं खाई सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ऐसे ही लाठियां नहीं खाई अनगिनत माताओं ने, अनगिनत बहनों ने, ऐसे ही बंदूक की गोलियां नहीं की झेली उस मासूम से शिरीष कुमार मेहता ने, उस वंदे मातरम को जीवित रखने के लिए, उस वंदे मातरम को बरकरार रखने के लिए जो माँ भारती का ब्रीद है, जो माँ भारती की शान है, जो माँ भारती के मांग का चमकता सितारा है। और उस सितारे के लिए यदि अपशब्द बोला जाता है तो कोई भी व्यक्ति इसे सहन नहीं करेगा। जितने हिंदू आज खुद को हिंदू समझते हैं, इसका कठोर से कठोर विरोध करो। भले ही यह बैन स्थगित कर दिया गया है, लेकिन अपने अपने पोस्ट के द्वारा, इस सोशल मीडिया में इतनी ताकत है, फैला दो ये समाचार। और ऐसे मुख्यमंत्री की आवश्यकता नहीं है मध्य प्रदेश को, राष्ट्रपति शासन ही लागू हो जाए। अभी वो आगे की बात है, लेकिन आज मेरा दिमाग सही में असंतुलित हो गया। कई ऐसे हमारे हिंदू है, कई हमारे ऐसे जैनी है जो नाजायजू की औलादे है, जिन्हें देश से कोई प्रेम नहीं है, धर्म की बात करते हैं, केवल मेरा अपना मैं सोचूं, देश जाए भाड़ में, देश की जनता जाए भाड़ में, मैं और मेरा मंदिर विराट हो। कल परसों की मैं परसों में एक लाइव पर आया था हमारी क्रांतिकारी बहन कविता जी के, वहां पर एक महिला, नाम नहीं लेना चाहूंगा, और कोई भी उसका नाम इस कमेंट्स बॉक्स में ना लिखे, क्योंकि महिलाओं का सम्मान करना मेरा कर्तव्य है, लेकिन मैं सिर्फ सीता का सम्मान करता हूँ, माँ द्रौपदी का सम्मान करता हूँ, सुपर्णाखाओ का सम्मान करना मेरे रक्त में नहीं, पूतना का समर्थन करना मेरे रक्त में नहीं, मेरा कर्तव्य सिर्फ शालीनता और चरित्र को निभाने वाले उस हर माता बहनों के लिए हो गया। तो वो वहां पर कोई आकर के बोलती है कि ये वीडियो फेक है। अब सभी भाइयों को एक बात बताना चाहूंगा, ये तो मेरा लाइव वीडियो है, और इस लाइव वीडियो को यदि आप बोलते हो कि फेक है वीडियो, तो आप मूर्ख हो, क्योंकि फेक कैसे हो गया, क्योंकि मैं जीवित हूं आपके सामने और लाइव रूप से आपसे बात कर रहा हूं। तो स्वयं को बड़ा तुर्रम खा समझने वाले उन लोगों को बस इतनी ही बात कहूंगा कि वंदे मातरम की बात हमारी शान का प्रतीक है, और वंदे मातरम के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति खड़ा हो जाता है, चाहे वो कितना भी बड़ा हिंदूवादी हो, चाहे वो हमारी प्रिय भारतीय जनता पार्टी का ही सदस्य क्यों न हो, या फिर कोई नेता ही क्यों न हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का कितना भी बड़ा खतरनाक इंसान ही क्यों न हो, हम उसको उसकी औकात दिखा देंगे। और मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं, अगर मेरे देश के लिए इस प्रकार की अराजक बातें फैलाने वाले लोग यदि इस प्रकार से व्यवहार करेंगे, तो ये मेरे सत्य का प्रतीक, मेरे अहिंसा का प्रतीक, ये संन्यास का प्रतीक, इसको त्याग दूंगा केवल मेरे माँ भारती की रक्षा के लिए। और फिर उसके बाद एक नया आतंकवाद जलमेगा, एक नया माओवाद जलमेगा, एक नया नक्सलवाद जलमेगा, उसके बाद सरकार उसके ऊपर रोक लगाने की औकात नहीं रख पाएगी। तो सरकार का कर्तव्य है इस प्रकार के जो घृणित शब्दों का प्रयोग करता है, पहले उसको पकड़ो, जेल में डालो। कुछ दिन पहले मैंने लाइव आकर के एक कोई मिश्रा है सन्यासी, उसका नाम भी मैं लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन उस हरामी ने हमारे भारत माता को वेश्या कहा, हमारे भारत माँ को गाली दी, और मैंने बड़े बड़े लोगों से संपर्क भी किया, कहा गया मुझे, केवल आश्वासन दिया गया है कि उसे पकड़कर जेल में नहीं डालेंगे, उसे पकड़ करके हम पागल खाने में डालेंगे, लेकिन अभी तक वह पकड़ में नहीं आया। उत्तर प्रदेश पुलिस, मैं आपका सम्मान करता हूं, मैंने आज तक कभी भी पुलिस प्रशासन का, सरकार का विरोध नहीं किया, मैंने हर व्यक्ति का समर्थन किया है, लेकिन आप लोग प्रशासन के नाम पर धब्बे हो। यहां क्रांति की मशाल जलाने वाले व्यक्ति को जेल में डाला जाता है, लेकिन जो मां भारती को अपमान कर, जो मां भारती को गाली देता है,
वेश्या बोलता है उसको अभी तक तुमने जीवित रखा है, अभी तक उसने उसको आपने परास्त नहीं किया, अभी तक उसको आपने कारावास में नहीं डाला, पागलखाने में नहीं डाला। यह सबसे बड़ी आपकी शोकांति का है। चुल्लू भर पानी में आप लोगों को भी डूब कर मर जाना चाहिए। कैसा प्रशासन, कैसे पुलिस और किस प्रकार की सरकार आप चला रहे हो उत्तर प्रदेश में, समझ से परे है। सरकार चलाना मामूली बात नहीं होता है, मैं जानता हूं, लेकिन जहां जहां पहले जमाने में जब राजतंत्र था तो राजा अपने लोगों को, अपने गुप्तचर विभाग को सक्रिय रखता था, और जहां जहां भी अराजकता फैलती हुई नजर आती थी वहां पर उसको दमन किया जाता था, इसीलिए बड़े बड़े राज्य आबादित रहे। लेकिन आज एक छोटे छोटे राज्यों को आप संभाल नहीं पा रहे हो तो डूब मरना चाहिए आप लोगों ने। छोटी छोटी बातें बड़े बड़े नासूर बन जाती है। तो वंदे मातरम के लिए बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा। बड़ा रक्त में उबाल है मेरे, मैं यही चाहता हूं कि जो व्यक्ति मेरे माँ भारती को गाली देगा उसके लिए धर्म, अधर्म, कुधर्म सब कुछ जायज होता है। ऐसे व्यक्ति अपनी माँ को, पत्नी और पत्नी को माँ बोलने में या उसको समझने में देर नहीं करता। तो ऐसे आततायियों के लिए यह भारत भूमि निश्चित रूप से उनके पतन को देखने के लिए लालायित रहेगी। और मैं सभी को इतना ही कहना चाहूंगा कि जो हिंदूवादी है, जो हिंदुत्व का परचम अपने हाथ में लहराकर अपनी छाती को सीना, अपने सीने को, अपनी छाती को प्रशस्त कर आप लोगों की सुरक्षा के भाव मन में रखता है, उसका समर्थन आपको करना होगा। नोटा वालों सावधान हो जाओ, आप अभी भी देर नहीं हुई। आप हमारे भाई है, आप बच्चे हो हमारे। मैं सन्यासी हूँ, आप, मैं जानता हूँ कि आप मेरा सम्मान करते हो, इसीलिए कोई व्यक्ति विकृत रूप से मुझको कमेंट नहीं करता। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से देता हूँ। लेकिन आप इतना तो समझ लीजिए, नोटा ने कौन सा अपराध कर दिया? क्या आप सुनना चाहोगे? आपकी माँ भारती का अपमान, आपकी माँ को कोई गाली देता है, आपके वंदे मातरम पर कोई रोक लगाता है, तो क्या आपका जो वोट जो आपने दिया ही नहीं, नोटा के स्वरूप में नपुंसक आपका वो वोट हो गया, तो समझ लीजिए कि आपने बहुत बड़ा अपराध किया माँ भारती का। आपने अनादर किया उसके चिरहरण को, आप चिरहरण के आप निमित्त बने हो। तो मैं यही चाहता हूं कि इसे कहीं न कहीं रोकना होगा, वंदे मातरम बोलना ही होगा इस देश में। चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, सिख हो, पारसी हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, संप्रदाय का हो, जाति का हो, पाति का हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वंदे मातरम बोलना ही होगा। और अगर कोई वंदे मातरम का विरोध करता है तो उसका दमन भी हमें करना होगा। मैं भारत सरकार से अपील करना चाहता हूं कि इसके ऊपर कठोर से कठोर कार्यवाही अवश्य हो। जिस प्रकार से कानून की धाराएं हैं, जिस प्रकार संविधान की धाराएं हैं, उसी अनुसार इसके ऊपर वह लीगली एक्शन ले। इसी आशा के साथ मैं इस मेरे लाइव को बंद करता हूं। मेरे सभी भाइयों, दिल बहुत टूटता है, बहुत दुखी हो जाता है मन, क्योंकि मैं आप सभी को जोड़ना चाहता हूं। मैं हिंदुओं को हिंदू से, हिंदुओं को जैनियों से, जैनियों को जैनी से, बौद्धों को बौद्धों से, और सारे मिलकर के सभी को मैं हिंदुस्तान से जोड़ना चाहता हूं। कभी कभी शब्द मेरे जहरीले, कभी कभी तो नहीं, मैं हर बार जहरीले ही शब्दों का प्रयोग करता हूं। बहुत बच करके चलने का प्रयास करता हूं कि मैं कम बोलूं, मैं कम जहरीले शब्दों का प्रयोग करूं, लेकिन आप लोग सुनने को राजी नहीं है। अगर मैं अपना सोचूं तो निश्चित रूप से मेरा ये आश्रम यहां से 100 किलोमीटर तक अपनी दीवार ऊंची ऊंची बना लेगा यदि मैं चाहूं तो, लेकिन मेरे मृत्यु के बाद मुझे यह सब कुछ यहां छोड़कर के जाना होगा। तो फिर किस प्रयोजन से मैं इसको प्रशस्त करूं? कई मित्र, कई भाई यूट्यूब पर भी मेरे कई लोग मुझे बोलते हैं कि गुरुदेव आपका अकाउंट नंबर दीजिए, मुझे किसी के पैसों की आवश्यकता नहीं है, अगर आपको देना है तो माँ भारती के चरणों में अर्पित कर दो, अपना सर, अपना रक्त बहा दो माँ भारती के लिए, क्योंकि चाहे लाखों करोड़ों अरबों भी कमा लूं, मृत्यु के बाद मुझे यही छोड़कर के जाना होगा। जितने भी सन्यासी मेरे साथ जुड़े हुए हैं या जितने भी सन्यास धर्म निभा रहे हैं, उन सभी सन्यासियों को भी इतना ही कहूं कि आप एक आशा की किरण होती है, और आपको देखकर हजारों, सहस्रों, सैकड़ों, लाखों लोग अपना जीवन परिवर्तित करते हैं। तो अभी आपकी जरूरत 2019 के अंतिम चरण तक इस देश को है, इस माँ भारती को है। इस माँ भारती के चिरहरण को रोकिए आप, अन्यथा आपका साधु वेश कलंकित है। साधु बन जाना स्वयं की इच्छाओं को, आकांक्षाओं को दुर्बल कर देना जैसा होता है, लेकिन आपका साधु धर्म तब फलित होगा जब ये माँ भारती, जब ये भारत माता हमारी पुनः सुजलाम सुफलाम होगी, और यहाँ हर व्यक्ति शांति से अपनी जिंदगी जिएगा। जब भी धर्म संकट में पड़ा, जब भी राष्ट्र संकट में पड़ा, तब तब सन्यासियों ने ही शस्त्र उठाया और आक्रांताओं का दमन किया है। आप उदाहरण देख लीजिए, गूगल पर सर्च कर लीजिए, नागा बाबाओं ने बहुत बलिदान दिया है मेरी माँ भारती के लिए। मैं नागा संप्रदाय का नहीं हूँ, मैं जैन धर्म का एक सन्यासी हूँ,
लेकिन मैं जैनियों के अहंकार का प्रतीक भी नहीं हूँ। बहुत सारे जैनी बोलते हैं कि जैन संप्रदाय के साधु हो आप अहिंसा की बातें करो, तो उन नामर्दों को, उन नपुंसकों को, उन कायरों को एक बात कहना चाहूंगा, अगर कोई आक्रांत आपकी माँ बहन का बलात्कार करे, आपके गर्दन पर चाकू छुरा रखे, आपके मंदिरों की मूर्तियां तोड़ने के लिए आ जाए, तब क्या आप उसको अहिंसा का पाठ पढ़ाओगे? नहीं, आप प्रतिकार करोगे, उसका दमन करने का प्रयास करोगे। यदि आप अपने गुरु के पास बैठिए, मैं जैनियों को एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आप अपने गुरु को मानते हो, आप अपने भगवान को मानते हो, आप अपने गुरु के पास बैठे हो अकेले, चाहे महिला हो चाहे बालिका हो, और कोई व्यक्ति तलवार लेकर के आपके गुरु का कत्ल करने आ जाएगा, तब आप क्या करोगे? आप उसका शस्त्र लोगे और उसी व्यक्ति को मार दोगे। वो व्यक्ति मर गया आपके हाथों से, कल आपको अगर कोई खूनी हत्यारा बोलेगा, तब आपका जवाब क्या होगा? आप यही कहोगे कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। इस धर्म की रक्षा करने के लिए अगर मुझे शस्त्र का उपयोग करना पड़ता है, तो वह भी मेरे लिए धर्म है, और इसी क्षत्रिय धर्म का निर्वहन करते हुए मैं अपनी जिंदगी जो आगे की है वो जीऊंगा, और मेरे साथ जो मेरे शब्दों को तवज्जो देते हैं, स्वीकारते हैं, उन्हीं को भी मैं उसी मार्ग पर ले जाऊंगा, क्योंकि स्वार्थ, लोभ, अहंकार, मद, सब कुछ यही धरा रह जाएगा। माँ भारती का सम्मान करो, और जो माँ भारती का सम्मान नहीं करेगा, जो वंदे मातरम का अपमान करेगा, वह अंग्रेज की औलाद, उसके डीएनए फॉल्ट है, उसके डीएनए में गद्दारों का खून है, मुगलों का खून है, यवनों का खून है, हूणों का खून है, ऐसे लोग समझ लीजिए जायज औलाद नहीं। जय माँ भारती, वंदे मातरम। कमेंट्स के साथ साथ वंदे मातरम हजारों बार लिखो, सहस्त्रों बार लिखो, और ये गूंज हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। वंदे मातरम, जय माँ भारती, जय पारसनाथ, जय महावीर, भारत माता की जय, वंदे मातरम।